अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14। तो कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सारे सॉल्व कर लिए हुए हैं, आज क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास फॉर्मूले ये वाले दो हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए पे अलहदा क्यूब प्लस बी पे अलहदा क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, ए माइनस बी, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपने लर्न किए होंगे। ये अगर प्लस वाला है तो सेंटर वाला माइनस का होता है, अगर माइनस वाला है तो सारे ही प्लस के होंगे, सेंटर वाला भी प्लस का होगा। तो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले एबीसी में हो, एक्स वाई जेड में हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखें कि ये समझ लें, ये ए है ये बी है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमें नजर आ रहा है। तो बस एक्स वाई में है, लेकिन पैटर्न यही है, इसी पैटर्न के मुताबिक इस इतने एरिया पे फॉर्मूला लगा देंगे एक्स, हम ये इतना इतना फॉर्मूला बनाएंगे, इतना इतना ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो दो बाकी बच गए हैं ये वाले, इनमें से अगर माइनस कॉमन कर लें, इनमें से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 फैक्टराइज है। फैक्टराइज आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है कि फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्रोडक्ट की शक्ल में, ब्रैकेट्स की शक्ल में जाहिर करते हैं। यहाँ ये प्लस माइनस की शक्ल में सारी वैल्यू है, हम इसको ब्रैकेटों में प्रोडक्ट की शक्ल में साबित करेंगे, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन होती है। तो अब क्या किया है हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया और इस माइनस को कॉमन किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे, ये जो माइनस का था प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। माइनस कॉमन करने से अंदर के साइन चेंज होते हैं। अब दो दो हमारे पास टर्म है, एक टर्म ये है एक ये है, इन दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, सेम ब्रैकेट है, इसको रिकॉमन कर लें एक्स माइनस वाई को, तो यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया तो अंदर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर कुछ भी ना बचे तो वन बचता है, तो ये इसी का आंसर होगा। ये देखें हमने प्रोडक्ट की शक्ल में इसको बना दिया है, यही इसकी फैक्टराइजेशन है। तो इसी का एक और पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 14 का, एक और पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, वो भी फैक्टराइज करना है। यहां पे लिखा हुआ है 8x³ - 1/27 y³, ये फॉर्मूला है 8x³ - 27 y³। तो देखें ये जो 8 होता है ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, और ये x का क्यूब। इसी तरह 1 तो 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, और 27 3 का क्यूब होता है, और ये y का क्यूब। अब अगर दोनों पे क्यूब है तो इनको होल क्यूब में लिखा जा सकता है, इधर ये तीनों पे क्यूब है इसको भी होल क्यूब की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो देखें ये फॉर्मूला ये वाली सिचुएशन बन गई है, समझ लें कि ये सारा अंदर ए है,
ए क्यूब माइनस, ये समझे बी है, बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला पैटर्न है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जरा गौर करें, इस सारे को ए कंसीडर कर लें, ए का क्यूब, इस सारे को बी कंसीडर कर लें, ये बी का क्यूब। तो ये फॉर्मूला सेम इस तरह का बन गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस फॉर्मूले की तरह बन चुका है। तो हम इसी पैटर्न पे इसको ओपन करेंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, इधर ये है ये भी है, ये हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब ए फिर माइनस बी इंटू ए स्केयर, इधर ए ये है ए स्केयर, फिर प्लस ए बी, ए और ये भी है, इसी तरह प्लस बी का स्केयर। तो ये सारा फॉर्मूला किसमें हो जाएगा, 2x माइनस 1 ओवर 3y, ये 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, और ये x का स्केयर x स्केयर, इधर 2 1s आर 2 और x ऊपर आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, ऊपर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसे ही, और नीचे वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसे आ जाएगा, इधर ये 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9 और ये y स्केयर। तो देखें ये एक प्रोडक्ट की शक्ल में हमने इसको बना दिया है, ये क्वेश्चन प्लस माइनस में था, अब रेक्टो में प्रोडक्ट की शक्ल में है, यही इसकी फैक्टराइजेशन है, यही क्वेश्चन था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, उसके दो तीन चार पार्ट हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने शुरू कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 उसका मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। ये लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग फॉर्मूला, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग फॉर्मूला, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई जरूर करना है, लेकिन इनकी एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, फॉर्मूलों की मदद से इसको मल्टीप्लाई करना है, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग फॉर्मूला। तो इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई जरूर करना है, लेकिन हमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये अगर ये फॉर्मूले हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए ए स्केयर का क्यूब और प्लस बी स्केयर का क्यूब, तो फिर भी समझे कि ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वही फॉर्मूला है, लेकिन ये अब अंदर ए की जगह पे क्या आ चुका है, ए का स्केयर, और बी की जगह पे क्या आ चुका है, बी का स्केयर। अब इसी पैटर्न पे अगर ए है और सिंपल बी है, तो फिर ए प्लस बी आएगा, लेकिन इधर पहले से ही ए का स्केयर है, बी का स्केयर है, तो यहां पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर आएगा। फिर यहां ए स्केयर है, यहां पे सादा ए है, यहां पे सादा ए है, यहां पे सादा ए है, तो यहां पे ए स्केयर है, यहां पे ए का पहले से स्केयर है, यहां पे ए का पहले से स्केयर है, तो यहां पे ए के स्केयर का स्केयर आ जाएगा। समझ आ रही होगी आपको। इसी तरह यहां ए बी, यहां माइनस का ए स्केयर बी स्केयर, और प्लस बी स्केयर का स्केयर, और फिर अगर इसको मजीद इलेबोरेट करें तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए की फोर माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी की फोर। तो स्टूडेंट अगर इस तरह की फॉर्म में हमारे पास एक्सपेंशन पड़ी हुई है, तो वो फिर इसमें क्लोज हो जाएगी, ये एक्सपेंशन इस फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगी। आपने बस ध्यान रखना है कि पैटर्न को देखना है, जितना भी इधर होता है उसका डबल इधर होता है, इधर ए है तो यहां उसका डबल ए स्केयर है, यहां से पहले ही ए स्केयर है तो उधर डबल उसका ए की फोर हो जाएगी। इसी तरह सेंटर में अगर ए बी आता है तो इधर ए स्केयर बी स्केयर, इधर बी का बी, इधर बी है सिंपल तो बी का स्केयर है, लेकिन इधर पहले बी का स्केयर है तो इधर बी की फोर हो जाएगी, उसका डबल हो जाएगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन करने का मकसद हमारे क्वेश्चन है, देखें हमारा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, लेकिन एक्स वाई में है,
हमें क्या करना होगा, ये देखेंगे, इसको एक स्टेप में लैबोरेट कर देता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये साथ में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फोर को लिख सकते हैं तोड़ के, टू टू जार फिर फोर बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखेंगे वही है, अगर यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर का स्क्वायर है, और सेंटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये हमारे पास इस तरह का एक एक्सपेंशन नजर आ रही है, इसको क्लोज करना है हमें इसमें, लेकिन ये प्लस वाली एक्सपेंशन है, इसको प्लस वाले फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो ये कैसे क्लोज होगा, अगर इधर ए बी है तो ए का क्यूब और बी का क्यूब क्लोज होगा, लेकिन यहां पहले ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये फॉर्मूला एक्सपेंशन फॉर्म में था, इसकी मैंने क्लोज, जैसे ये क्लोज फॉर्म है ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है, तो ये फॉर्मूला एक्सपेंशन फॉर्म में था, उसको रिवर्स क्लोज फॉर्म में लेके गया हूं, इसको रिवर्स में इसकी क्लोज फॉर्म मैंने बनाई है, तो इसका आंसर बन जाएगा एक्स की सिक्स, टू थ्री जार सिक्स और वाई की सिक्स, तो ये इसका प्रोडक्ट मालूम हो चुका है, और ये हमने इसकी एक्सपेंशन इसका प्रोडक्ट मालूम किया है यूजिंग फॉर्मूला। तो हमने यही फॉर्मूले, आज के फॉर्मूले ये हैं, इन्हीं को यूज किया है, वैल्यू देखनी है कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, उसी पैटर्न से ये वैल्यू थी, तो मैंने इस एक्सपेंशन को क्लोज कर दिया है फॉर्मूले में। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट टू है, इसका पार्ट टू सॉल्व करने लगे हैं, वो है एक्स थ्री वाई थ्री इंटू एक्स की सिक्स प्लस एक्स थ्री प्लस वाई की सिक्स। एक स्टेप में इसको लैबोरेट कर लें, ये एक्स थ्री वाई थ्री है, जैसे इधर ए बी है तो इधर ए का स्क्वायर, इधर पहले एक्स थ्री है तो इधर एक्स थ्री का स्क्वायर लिख लेंगे, सिक्स पूरा हो जाता है, थ्री टू जार सिक्स, ये सिक्स है, उसके बाद ये एक्स थ्री वाई थ्री प्लस वाई थ्री रेज टू पावर टू, तो ये फॉर्मूला सारा बन चुका है, ये एक्सपेंशन फॉर्म है, इसकी क्लोज फॉर्म होगी एक्स थ्री रेज टू पावर थ्री वाई थ्री रेज टू पावर थ्री। तो फॉर्मूलों पे अगर आपको ग्रिप हासिल है तो आप आसानी से इसके आंसर बना सकते हैं। तो देखें इसे हम x की 9 माइनस y की 9, ये इसकी प्रोडक्ट हम फाइंड कर चुके हैं यूजिंग द फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ये एक्सपेंशन फॉर्म होती है, बाद में हम उसको क्लोज फॉर्म में लेके आते हैं, और फॉर्मूले के पैटर्न को समझना है, ये वही पैटर्न है। कल आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के दो पार्ट सॉल्व करें, कल इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे।